है, क्योंकि यहाँ पे आप किसको बोलोगे कि ये बुरा खेला वो बुरा, एक आधा ब्लंडर तो होना लाजमी है यहाँ पे। इतनी बड़ी टीमों के सामने आप कितना ही बच पाओगे? मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे शायद ओरेंगुटान और माफियाज की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने रिवर बैंक्स में माफियाज को देखा था और ओरेंगुटान यहाँ पे फ्लैंक करके अगर आप देखे जाने की कोशिश कर रहे थे, और नहीं यहाँ पे बात नहीं बनेगी यार। मैं बस एक चीज सोच रहा हूँ, वर्ल्ड ऑफ बैटल बड़ी जल्दी फिनिश करके मोथाउस से इस तरफ लौटे थे, लेकिन अब तक अगर आप देखे, और ये सामने माफियाज है, ये सामने माफियाज है, और लगभग पाड़ी ने वहां पे डैमेज काफी करारा दिया था, लेकिन जय वहां पे एलिमिनेट हो गए। आई गेस बहुत अल्ट्रा लेट रोटेशन वहां पे ओरेंगुटान का कीमत चुकाएगी वो जी, और पीक तो बिल्कुल नहीं देंगे। माफियाज में पेशेंस दुनिया भर का है, शायद जिन पे शॉट लगाई थी वो फौजी अजय ही थे। तो मैं बस यही देखना चाहूंगा कि क्या पहाड़ी यहां से एक आधा खिलाड़ी क्या नॉक निकाल पाएंगे, अदरवाइज यहां पे अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि जोन में जाना संभव है। ये लीजिए माफिया वाला ने पहाड़ी को नॉक कर दिया। कई बार मेरा मैक्स, मुझे पता है मुझे काफी प्राउड फील होता है, लेकिन आई एम डैम श्योर इट्स समथिंग अ जॉब ऑफ अ डेविल, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ हो सकता है शायद कुछ लोगों को या तो पनौती लगता हो या तो चुके थे, और वहां पे हाउस ऑफ ब्लड का खात्मा भी हो गया। लेकिन टीम माफिया देखते हैं लास्ट दो मैचेस में क्या कारनामा करके जाते हैं, कितने पॉइंट्स यहां पे गेन करते हैं, बिकॉज अभी तक लगातार कोशिश ही चल रहा है, प्रयास ही चल रहा है, लेकिन उसके मुताबिक नतीजे इनके कब्जे में नहीं आ रहे। 28 खिलाड़ी जीवित हैं, अगला सर्कल भी आने वाला है, लेकिन इससे पहले टीम माफिया बैठ चुके। माफिया को भारी वर्कअप डैमेज एंड 150 का शॉट है, कुडंट बी ओरांगुटान लीड, यहां पे पहाड़ी भी हो सकते हैं ड्यूअल मेल्टर का इस्तेमाल, और जी हाँ पहाड़ी ही शायद नजर आ रहे हैं, लेकिन टीम माफिया के दो काबिल प्लेयर है। 4v4 बैटल, ये काफी ज्यादा फैन फेवरेट वाली फाइट होने वाली है, टीम माफिया अगेंस्ट ओरांगुटान इलीट, इसको देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ओरांगुटान इलीट का पलड़ा भारी हो सकता है, अगर यहाँ पे डिलीट चोक करते हैं पूरी की पूरी टीम आपकी मुश्किल से आ जाएगी, लेकिन माफिया फॉर्म में है या तो डेफिनेटली कह सकते हैं, और यहाँ पे लेकिन आरडीपी भी उस चीज के लिए तैयार थे, चार्ज बस का प्रयास, लेकिन पहुंचे जी काफी ज्यादा दूर से डील करते हैं, माफिया वाला कवर के लिए आए हैं, रिवाइव देना चाहते हैं, लेकिन पीछे से भी किस तरीके से घेर रही है इंपैक्टफुल ओरांगुटान की यहाँ पे स्ट्रेटजी नजर आती है। माफिया वाला तेजी से आगे बढ़ते हैं, पीछे से भी ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन हाथ में ग्रेनेड है, क्या ये ऑन पॉइंट रहेगा, पीछे से डैमेज देने की जरूरत भी यहाँ पे प्लेयर को, और 16 फीट से भी कम एचपी है, मुश्किल लग रहे हैं माफिया वाला के हालात, माफिया खत्म भी हो जाएंगे, डिलीट को संभालना पड़ेगा, बिकॉज फौजी अजय भी सही कवर दे रहे हैं, और देखिए ओरांगुटान के भी एक प्लेयर नॉकआउट हो चुके हैं, ग्रेनेड का डैमेज लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं, और माफिया वाला भी इसी बीच में नॉकआउट हो जाएंगे, बहुत मुश्किल में टीम माफिया, और एक बार फिर से अगर एलिमिनेट हुए ये फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, देखिए डिलीट भी नहीं बच पाएंगे, और यहाँ पे फौजी अजय अकेले ही बचे, देखने वाली बात होगी, कदम पीछे हटाने का वक्त तो है, लेकिन शायद वहां पे जाते फाइट लड़ते तो टीम माफिया के जो नतीजे हैं वो कुछ और हो सकते थे। मैं इस वक्त सिर्फ एक ही चीज देख रहा हूँ, ओरेंगुटान ने बिना एक भी बंदा गवाए माफियास को खदेड़ दिया है, यहाँ पे तारीफ होनी चाहिए यहाँ पे ओरेंगुटान की, क्योंकि अगर आप देखें जिस किस्म से शुरुआती दिनों से माफियास फॉर्म में है उस हिसाब से तो मैं, और ये मुझे लग रहा है कप्तान फौजी अजय के लिए मुसीबत का सबब, क्योंकि ओजी चेस तो नहीं करेंगे इनको, लेकिन अगर एक आधा खिलाड़ी के रडार